हेलो, मेरा नाम आदित्य पाल है। मैं IIIT सिटी से CSE में बीटेक कर रहा हूँ। मेरी मेंस की रैंक 34,000 है और मैं गया सिटी से बिलोंग करता हूँ। तो आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव्स, और उसका कंटिन्यूशन और लास्ट पार्ट है आज। आज ये चैप्टर हम कम्प्लीट करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, जैसा कि आप देख सकते हो। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन है और काफ़ी लंबे कैलकुलेशंस है। तो ये चैप्टर्स हम आज कंटिन्यू करेंगे हमारे लॉन्ग आंसर का 30th क्वेश्चन से, ठीक है। सो वी आर हियर लॉन्ग आंसर 31, ठीक है। 30th तक हमने किया था लास्ट टाइम, 31st से हम आज करेंगे, ठीक है। तो 31st क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ द सरफेस ऑफ एरिया ऑफ क्यूब एंड स्फीयर इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। हमारा जो सरफेस एरिया है क्यूब का, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, अच्छा सम बोल रहे हो, ओके ओके सॉरी, प्लस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट मान लो के है, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में एक चीज गिवन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब टू अ डायमीटर ऑफ स्फीयर, ठीक है। व्हेन द सम ऑफ द वॉल्यूम इज मिनिमम, हमें बोल रहा है कि हमारे से पूछा जा रहा है कि उनका जो क्या बोलते हैं स्फेयर का मतलब जो रेडियस है, मतलब स्फेयर का रेडियस और सर डायमीटर और क्यूब का एज का जो सब मतलब वो रेशियो क्या होगा जब वो जब उनका वॉल्यूम मिनिमम हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, आइए। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था उस कंडीशन में रहते हैं, तो जैसा कि जानते हैं हम मान लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में इसका जो एच का लेंथ हो वो एक्स हो, ठीक है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या लिख सकते हैं, सिक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस और इसका मानते हैं रेडियस आर है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 4π r² इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या आ रहा है, एक्स का वैल्यू आता है के माइनस 4π r² बाई 6 की पावर, ठीक है। तो ये हमारे एक्स का वैल्यू यहाँ पे आया, ठीक है। तो जैसा कि जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा होता है क्या होता है, हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा होता है x³, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हमारा उसी टाइम पे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4π3π r³ होगा, ठीक है। तो हम जैसा कि जानते हैं हमारे को यहाँ पे पूछा जा रहा कि हमारे जो इस दोनों का सम मिनिमम कब होगा, तो मान लेते हैं एस होता है हमारा x³ प्लस 4π3π r³, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड जो स्फीयर है वो मिनिमम कब होगा, या इसकी वैल्यू सबसे मिनिमम कब होगी। तो पहले तो हम ds बाय dr करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने x को इसके टर्म में निकाला हुआ है, तो हम यहाँ पे उसको सब्सिट्यूट करते हैं, तो k माइनस 4π r² बाय 6 की पावर 3/2 प्लस 4π r³, ठीक है बाय 3। तो यहाँ से इसकी वैल्यू अगर मिनिमम करनी है तो हमें ds बाय dr करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू अगर मिनिमम करनी है तो हमें क्या करना होगा, ds बाय dr, और उसको फिर हमें इक्वेट करना होगा 0 से। यहाँ पे हम ds बाय dr कर रहे हैं इसका, तो ds बाय dr क्या होगा हमारा, ds बाय dr क्या होगा इस सिचुएशन का, ds बाय dr ही होगा। पहले तो यहाँ से जो 3/2 है उसका ये क्या बोलते हैं 3/2 नीचे आएगा, हाँ, और ये इससे 3 तो 1/4 हो जाएगा यहाँ पे, और इसका जो बाहर आएगा तो इसके बाहर हमारा ओके।
तो जो मतलब ऐसे होगा तो उसमें हमारा फाइनली आ जाएगा माइनस ऑफ 4 पाई आर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। इससे यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो 8 आ रहा है, और ये इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -2 पाई आर आएगा, ठीक है, -2 पाई आर। ये -4 पाई आर स्क्वायर वापस वही रहेगा, ए -6 की पावर, हाँ बस 4 पाई r³ आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई r² हो जाएगा, 4 पाई r² ठीक है। तो ये तुम्हारा वॉल्यूम आ रहा है यहाँ पे, मतलब ds/dr करने का आ रहा है। अब हमें इसे इक्वेट टू 0 करना है, ठीक है। अब यहाँ से हमें ds/dr को 0 से इक्वेट करना है, ds/dr को 0 से इक्वेट करना है, ठीक है। तो ds/dr को 0 से इक्वेट कर दे तो हमारे पास आता है इक्वेशन 2r = k - 4 पाई r² ठीक है, π 6 की पावर 1/2, ठीक है। तो हम दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, मतलब स्क्वायर कर देते हैं, तो इधर आएगा 4r², अगर इससे बढ़िया हम यहाँ पे लिख देते हैं 4r² हो जाएगा, ये यहाँ पे 24r² k - 4 पाई r² ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम 4r² कॉमन लें, और तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 6 + π = 15, ठीक है। यहाँ से हमारे जो आर की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/2 √k/6 + π, ये हमारी आर की वैल्यू यहाँ से आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी यहाँ पे आर की वैल्यू आई है उसे हम मिनिमम चेक करते हैं, ठीक है। आर को हम इक्वेशन में डालेंगे, फॉर आई आर इक्वेशन 1/2 √k/6 π। अब इसको जब हम इसमें डालते हैं तो जब हम ds/dr में जो आर की वैल्यू आई वो हम डालें, ठीक है, तो जो इसकी वैल्यू है वो हमारी 2r आ रही है, ठीक है, 2r। तो जब हम क्या करेंगे, हमसे ये पता चल रहा है कि जब हमारी ये वैल्यू वैल्यू मिनिमम सबसे तक कब होगी, जब x की वैल्यू हमारी 2r के बराबर हो, ठीक है, एस सी वैल्यू 2r के बराबर हो, ठीक है। तो अगर एक्स की वैल्यू 2r के बराबर है, मतलब जो डायमीटर है, डायमीटर इस जो एज की जो रेशियो है वो हमारी 1:1 आ रही है, एज इस टू डायमीटर की रेशियो हमारी 1:1 आ रही है, ठीक है। हम चलते क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है AB is a diameter of circle and C is any point of the circle. Show that the area of triangle ABC is a maximum when it is isosceles. तो क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है कि हमारे पास एक सर्कल C सेंटर है, मतलब सॉरी C is any point of the circle, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है C, ठीक है, और A और ट्रायंगल ABC, ओके। तो AB कोई डायमीटर है, ये AB डायमीटर है और सी एनी पॉइंट है, तो तुम सर्कल की प्रॉपर्टी से जानते हो कि सी पे एंगल तो बन रहा होगा 90 डिग्री बन रहा होगा, डायमीटर और टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल द एंगल इज 90 डिग्री, ये पॉइंट तो तुम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हो। तो तुम्हारे पास ये लेंथ आर है, ये लेंथ आर है, ठीक है, और यहाँ से ये लेंथ आर है, ठीक है। तो अभी तुमको क्या करना है ना, तुमको निकालना है कि ये इसकी एरिया मैक्सिमम तब हो जब ये ट्रायंगल आइसोसेलस हो। तो क्या है हमारे पास, क्या कि मैंने ये हमारे पास जो ए बी की लेंथ है वो 2r, ठीक है, एंगल ए सी भी अपने पास 90 डिग्री की बने, ठीक है, और एंगल ए बी सी अपने पास थीटा के बने, और ए सी हमारे पास
क्या एसी का अगर हम साइन रूल लगाए तो हमारा जो एसी लेंथ होगा वो होगा हमारा 2R sin थीटा और बीसी हमारा होगा 2R cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम एक चीज समझ रहे हैं, साइन मतलब थीटा एंगल को ले इन कंसिडरेशन, तो हमारा एसी क्या आ रहा है, एसी आ रहा हमारा 2R sin थीटा और बीसी अपना आ रहा है 2R cos थीटा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हाफ बीसी इंटू बीसी, ठीक है, हाफ एसी इंटू बीसी। तो अगर हम कैलकुलेट करें यहां से तो एरिया अपना क्या आ रहा है, हाफ R² sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, एक्चुअली तो यहाँ पे 2 sin थीटा है और 2 cos थीटा है। ठीक है, एक से 2 गया और 2 sin थीटा cos थीटा हो, क्या होगा अपना R² sin 2 थीटा। ठीक है, तो हमें बोला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज मैक्सिमम इट्स आइसोसेलस। तो तुम्हें को ये प्रूव करनी है कि तुम्हें एक्चुअली देखना कि साइन थीटा तुम्हें मैक्सिमम कब हो रही है। तुम्हारी साइन थीटा मैक्सिमम तब हो रही है जब sin 2 थीटा इक्वल टू 1 हो, और थीटा तुम्हारा मैक्सिमम कब हो रहा है, जब थीटा तुम्हारा 45 डिग्री हो, दैट इज इक्वल टू 5/4। अगर तुम्हारा एक एंगल थीटा 5/4 है तो दूसरा 5/4 होगा, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा एंगल एंगल सेम होगा, एंगल ए बी ए सी बी इक्वल टू एंगल बी ए सी बी, हाँ तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी। यहाँ से हमारा जो क्या होगा, साइड ए सी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम है ए सी इक्वल टू बी सी विच इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल। ठीक है, तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 32 अपना सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आएंगे हम। क्वेश्चन 33 बोला कि तुम्हारा एक मेटल बॉक्स है विच इज अ स्क्वायर बेस एंड वर्टिकल साइड्स इज टू कंटेन 1024 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मटेरियल फॉर द टॉप एंड बॉटम कॉस्ट 5 रुपीज 5 सेंटीमीटर पर स्क्वायर एंड द मटेरियल फॉर द साइड कॉस्ट 2.50 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। फाइंड द लीस्ट कॉस्ट ऑफ द बॉक्स। तो सबसे पहले तुम्हारा बॉक्स देखो, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन हमारा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है और उसका बेस तुम्हारा स्क्वायर है। ठीक है, हमारा रेक्टेंगुलर बेस ये है एक्स, पर ये तुम्हारा रेक्टेंगुलर सॉरी स्क्वायर बेस तुम्हारा ये है, और तुम्हारा जो वर्टिकल साइड है वो 1024 सेंटीमीटर क्यूब। तुम्हारे को जो वॉल्यूम दिया हुआ है, मतलब एक तरीके से वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम अगर तुम इसको हाइट वाई मान लो, इसका हाइट वाई मान लो, तुम्हारा वॉल्यूम क्या होगा, x²y। ठीक है, तुम्हारे को x²y दिया हुआ है, x²y दिया हुआ है, दैट इज 1024 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वाई का वैल्यू तुम्हारे को यहाँ से आ जाएगा 1024 x². ठीक है, तो हमसे पूछा आ रहा है कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, तो मिनिमम कॉस्ट के लिए तुम क्या करोगे, तुम कॉस्ट कैसे निकालोगे, कॉस्ट तुम्हारा होगा सरफेस एरिया ऑफ ऑल साइड्स, मतलब अगर कॉस्ट निकालोगे तो सरफेस एरिया ऑफ ऑल साइड इनटू द प्राइस। तो तुम जैसे जानते हो सरफेस एरिया ऑफ नीचे का ऊपर का क्या होगा, x². ठीक है, x² होगा ना, और 2 इंटू जो हो गया ऊपर नीचे x² इंटू तुम्हारा कॉस्ट 5 रुपीज पर सेंटीमीटर क्यूब लग सेंटीमीटर स्क्वायर लग रहा है, प्लस तुम्हारे 4 ऊपर के साइड है इंटू वाई xy इंटू 2.50। ठीक है, तो तुम्हारा यार है 10x² प्लस 10 इंटू 1024 बाई x² इंटू एक्स, दैट इज 10x² प्लस 10240 बाई एक्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से
अगर हम यहाँ से डीसी बाई डीएक्स करें, डीसी बाई डीएक्स करें, और डीसी बाई डीएक्स करने पे हमारा क्या आ रहा है, 20x-1024 ये तो भाई x2। ठीक है, और अगर हम डीसी बाई डीएक्स में जीरो कर रहे हैं, यहाँ पर डीसी बाई डीएक्स में जीरो करते हैं तो हमारे पास आता है 20x³=1024, x³=512। हाँ, से हमारे एक्स की वैल्यू 8 आ रही है। ठीक है, आदित्य, आपकी वॉइस बहुत धीमी होती जा रही है, उसको उसके फिर थोड़ा सा लाउड रही है। अभी 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 ठीक है, अभी ठीक है, थोड़ा सा तो ध्यान मतलब माइक का इश्यू रखना हो गया आज। जरूरी है। अच्छा ठीक है सर, जोर से। हाँ, तो अपना ये क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू हमारी 8 आ रही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू 8 आ रही है, अब हमें चेक करते हैं डी टू सी बाई डी एक्स करके कि ये मिनिमा आ रही है कि मैक्सिमा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डी टू सी बाई डी एक्स करते हैं, डी टू सी बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डी टू सी बाई डी एक्स स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या आता है, यहाँ से हमारा डी सी बाई डी एक्स स्क्वायर 20x, तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा 20-1024 into -2 हो जाएगा, -2 बाई अपना x³। ठीक है, तो फाइनली तुम्हारा आ जाएगा 20-2048 0 बाई x³। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे ये तुम्हारा क्या दिख रहा है, यहाँ पे तुम्हारा ये वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, तो हम यहाँ से कॉस्ट निकालते हैं एक्स की वैल्यू 8 पुट करके। ठीक है, तो उससे हमारी मिनिमम वैल्यू आ रही है, तो कॉस्ट 8 वैल्यू पुट करते हैं। 8 वैल्यू पुट करने पे जो हमारी इक्वेशन अब आती है, यहाँ से वाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 1024/64, 8 1 8। ठीक है, यहाँ पे 2 कैरी आउट हुआ, 8 2 16, 6 कैरी आउट हुआ 4, सॉरी 8 128 आएगा। और फिर यहाँ से 8 1 8 और 8 6, यहाँ से वाई की वैल्यू हमारी 16 आती है। ठीक है, वाई की वैल्यू हमारी 16 आ रही है, तो जो हमारा कॉस्ट यहाँ से बाहर आ रहा है वो हमारा आएगा, उसे निकालने की जरूरत नहीं थी, मैंने गलती कर दी निकाल के, तो कोई बात नहीं। ठीक है, 20 20 into 64 + 1024 0 by 8, तो तुम्हारी ये वैल्यू टोटली कितनी आ रही है, ये तुम्हारी हो जाएगी 64, मतलब 120 10 into 8 sorry sorry sorry, ये 10 है, 10 into 8 का 640 प्लस, वो ये हो जाएगा तुम्हारा 1280 1280 1280। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1920 के बराबर, 1920। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 33 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या बोल रहा है कि जो तुम्हारा सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेलेलो पाइप्ड विद साइड्स x2x and x3 एंड अ स्फीयर इज गिवन टू बी कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप दिया हुआ है, उसकी साइड दी हुई है x2x and x/3। ठीक है, तो तुम्हारे को बोला गया है कि दोनों की सरफेस एरिया इज गिवन टू बी अ कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो दोनों का सरफेस एरिया तुमको कॉन्स्टेंट गिवन है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले तो हम इन दो तीन सबका सरफेस एरिया ऐड करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं सरफेस एरिया ऐड। ठीक है, मान लेते टोटल सरफेस एरिया ऐड करने का हमारा आता है एस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 अपना 34। ठीक है, तो एस होता है टोटल सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ हमारा जो पहला होगा स्फेयर वो कितना होगा, सरफेस एरिया स्क्वायर हमारा आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है,
और जो रेक्टेंगुलर पैरेललो पाइप है उसका आएगा एक्स इंटू टू एक्स, तो हर एक दो साइड, तो 2x इंटू 2x प्लस 2x इंटू x/3 प्लस x इंटू x/3 इक्वल्स टू के, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम r की वैल्यू निकालते हैं, तो 4 पाई r² इक्वल्स टू के माइनस 2 इंटू 2x² प्लस 2x²/3 प्लस x²/3, ठीक है। तो यहाँ से हमारा r का वैल्यू फाइनली क्या आता है, k माइनस k/4, यहाँ से x², ये तो फिर x² ये x² ही बच जाएगा, x²/3, ओके। और ये 3x² हो जाएगा, ओके। के माइनस 6² / 4π, और इसकी पावर हाफ, ठीक है। तो ये अपनी आर की वैल्यू आ रही है, अपना आर यहाँ से आ गया। अब तो हम क्या करेंगे ना, जो अपना वॉल्यूम का इक्वेशन है वो लिखते हैं यहाँ पे। तो अपना वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा 2x इंटू x/3, ठीक है, प्लस 4/3 πr³, ठीक है। तो वॉल्यूम को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा 2/3 x³ प्लस 4/3 πr³, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आर की वैल्यू यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे, यहाँ पे देखना, ठीक है। तो आर की वैल्यू यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे, तो वॉल्यूम 2/3 x³ प्लस 4/3 π, और अपना आर का वैल्यू क्या था, के माइनस r² 6x² के माइनस 6x² / 4π की पावर 3/2, ठीक है। ये हमारा वॉल्यूम आया इन द टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो अपना इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई यहाँ से करेंगे, तो हमारा आएगा 2/3 x³ प्लस 1/6 √π, ठीक है, के माइनस 6x² की पावर 3/2। ये हमारा वॉल्यूम का आया इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे dv/dx करते हैं, dv/dx करते हैं, हमारा यहाँ से आता है 2x² या 2x² आता है प्लस माइनस 3x/√π के माइनस 6x² की पावर हाफ, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो हमारा dv/dx आ गया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे dv/dx को 0 करेंगे, ठीक है। dv/dx को 0 से इक्वेट करेंगे वैल्यू के लिए, dv/dx को हमने 0 से इक्वेट किया वैल्यू के लिए। अब हम dv/dx को 0 से इक्वेट करते हैं वैल्यू के लिए, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 2x² इक्वल्स टू 3x/√π के माइनस 6x², यहाँ से एक एक्स को हटा दो, ठीक है, और बोथ साइड स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो बोथ साइड स्क्वायर करते तो हमारे पास आता है 4x²π = के माइनस 6x². तो यहाँ से तुम x² कॉमन ले लो, 2x² कॉमन ले लो, फिर रहने दो, x² से ही काम चल जाएगा, ठीक है। तो जब तुम पूरा इक्वेट कर दो, तुम्हारी यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो आएगी, ओके। तो dv/dx हमने वो कर दिया, इक्वेट कर दिया, ओके। और यहाँ पे हमने ये कर दी, यहाँ पे हमने एक चीज छोड़ दी, वो थी है, हाँ भाई, नाइन, ठीक है। तो यहाँ से अब हम इसको जब फाइनल टर्म्स में लिखते हैं, तो हमारे पास आता है x = 3/2
अंडर रूट के बाई 4 पाई प्लस 54, हमारे पास एक्स आती है यहाँ से, और ये क्लियरली एक पॉइंट ऑफ मिनिमा है, क्योंकि अगर तुम इसका डिफरेंशिएट करोगे तो ये पॉजिटिव आ रही है वैल्यू इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे तुम क्या करते हो, एक्स इक्वल टू तुम्हारे जो वैल्यू आया है उसको आर में डालते हो, तो तुम्हारे पास क्या आता है, ये पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इंटू आर, ठीक है, आर में डालें ये वैल्यू यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू हम आर में डालते हैं, तो आर की वैल्यू हमारी आती है, आर की वैल्यू हमारी आ रही है आर क्यूब इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू के माइनस 6 × 9 k बाई 4π + 54, ठीक है, बाई 4π। अब इस चीज को तुम सॉल्व करो, ठीक है, सॉल्व करके तुम्हारे पास जो वैल्यू आती है ये 54 54 के तो माइनस साइड हो जाएगा, ठीक है, 4π के 4π के, ठीक है, और जो ये 9 k जैसे मल्टीप्लाई हो रहा है बस वो डिफरेंस बनाएगा यहाँ पे, तो तुम्हारा यहाँ से वैल्यू आ रहा है आर इक्वल टू के बाई अंडर रूट के बाई 4π + 54, ठीक है, तो तुम्हारा यहाँ से जो रेशियो आ रहा है ना, वो आ रहा है तुम्हारा एक्स इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ आर, ठीक है, तो ये तुम्हारे यहाँ से इक्वेशन का रिजल्ट आ रहा है जो कि तुमसे पूछा गया, ऑल्सो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द वॉल्यूम, सो पहले वो प्रूफ करना था, तो वो प्रूफ तो हमारा हो गया, अब हमें फाइंड द मिनिमम वॉल्यूम, मिनिमम वॉल्यूम के लिए अब यहाँ पे तो बहुत आसानी से तुम कर सकते हो, ठीक है, बस तुमको वैल्यू पुट करना है एक्स का ओके का, और तुम्हारे को मतलब आसानी से वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है, एक्स और आर का। सो अब यहाँ पे क्या, तुम आते हो ऑब्जेक्टिव टाइप पे, ऑब्जेक्टिव टाइप में लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 35 कर लिया था, तो अब क्वेश्चन नंबर 36 हम कंटिन्यू करेंगे। अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर लीन्स अगेंस्ट अ वर्टिकल, तो हमारा क्या कि एक लैडर है जो कि 5 मीटर लॉन्ग है और स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर लीन्स अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, ठीक है, तुम्हारा एक हॉरिजॉन्टल लैडर है वो लीन अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल है, ठीक है, लैडर स्लाइड डाउन एट अ रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, देन एट विच रेट एट विद एंगल बिटवीन द फ्लोर एंड लैडर इज डिक्रीजिंग वेन द लोअर एंड ऑफ लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, सो 5 मीटर, ओके, तो तुम्हारे पास सिर्फ सब दिए वही चीज है, ठीक है, तो जैसा कि जानते हो कि क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया लैडर, तो इसको क्या करना है ना, इसको बहुत ईजिली सॉल्व करना है, तुम्हारे को कैसे बताता हूँ, तुम जैसे कि जानते हो तुम्हारे यहाँ पे साइन थीटा है, ये थीटा के लिए पूछ रहा है, ठीक है, तो साइन थीटा तुम्हारा क्या है, एक्स बाई फाइव, ठीक है, और कॉस थीटा तुम्हारा क्या है, वाई बाई 500, सॉरी, क्योंकि हम यहाँ पे सेंटीमीटर में डील कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्स और वाई तुम्हारे पास है, और तुम यहाँ से डी एक्स बाई डी टी तुम्हारे को गिवन है, dx/dt गिवन है, वो है तुम्हारे पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है, पर सेकेंड, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से डी थीटा बाई डी टी का कैलकुलेशन करना है हमें, तो इसी क्वेश्चन को हम लोग डी थीटा बाई डी टी करते हैं, तो हमारे पास आता है 500 cos θ इक्वस टू डी थीटा थीटा डी थीटा बाई डी टी इक्वस टू dx/dt, ठीक है, क्योंकि तो तुम्हारा 10 है, तो तुम्हारे यहाँ से डी थीटा बाई डी टी आ रहा है जो वो तुम्हारा आ रहा है 1/50 cos θ, ठीक है, और वाई इक्वल टू 2 मीटर इक्वल 200 सेंटीमीटर, हमें डी थीटा बाई डी टी निकालना है, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू ऊपर से यहाँ पुट करते हैं, तो डी थीटा बाई डी टी की जो वैल्यू हमारी यहाँ पे आती है वो हमारी आती है 1/50 × 200/500, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 10, दैट इज 1/20, ठीक है, तुम्हारा यहाँ से आ रहा है 1/20 रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है,
कॉस थीटा मतलब वो डी थीटा बाई डी टी, वाई इक्वल टू 1/x³ हैज अ वर्टिकल टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ से तुम डी वाई बाई डी एक्स कर लो सिंपली, तुम्हारा वाई इक्वल टू 1 की पावर x की पावर 5 है, तो सॉरी 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 सॉरी, तुम्हारे पास जो वाई है वो 1 की पावर x, सॉरी x की पावर 1/5 है, ठीक है। यहाँ से तुम डी वाई बाई डी एक्स करते हो तो तुम्हारे पास माइनस में वैल्यू चल जाएगी, तो वो हो जाएगी 1/5 × −4/5। तो तुम्हारे पास ये क्या वैल्यू तुम्हारी ना, अगर तुम 0,0 पे इसकी वैल्यू देखो तो वो इन्फिनिटी जा रही है, ठीक है। 0 की पावर कुछ भी इनफिनाइट होती है, मतलब नॉट डिफाइंड होती है एक तरीके से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका जो टेंजेंट होगा वो वर्टिकल होगा, वाई अपना वाई एक्स एम इन्फिनिटी है तो, ठीक है। तो वर्टिकल टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्स, ये ऑप्शन आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 अपना बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व 3x² - y² इक्वल्स पैरेलल टू लाइन x+3y = 8। जैसे तुमने कुछ नहीं करना है, तुमको ये कर्व को डिफ्रेंशिएट करना है, और जो डिफ्रेंशिएट करके स्लोप आ रही है उसको इस लाइन के इक्वेट कर देना है। तो और उसके फिर उसके बाद तुमको उसका क्या बोलते हैं, सॉरी सॉरी, क्या इसका कर्व निकाल, कर्व का इक्वेशन से टेंजेंट का वो निकालना है, उसका 90 डिग्री करना है, और तुमको तुमको उससे इसका यूज करके, इस इक्वेशन का यूज करके तुमको उसका वर्टिकल वाला मतलब नॉर्मल का इक्वेशन निकालना, ठीक है। 39th में आते, एक मिनट रुको, मैं इसका क्या करता हूँ ना, PDF में खोल लेता हूँ। ईजी होगा, जल्दी हो जाएगा, पर ऐसा ठीक है, मैं बताते चलता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 39 तुम ऐसे ही कर सकते हो, ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 39 के लिए तुमको क्या करना है, फर्स्ट तुम क्या करो कि इक्वेशन को ना, ये तुम्हारा 3x² - y² = 8 है, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, तुम इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो तुम्हारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। मतलब DFx/dx, ठीक है, जैसा तुम चाहो। वाई के टर्म्स डिफ्रेंशिएट किया तुमने, एक्स के टर्म्स डिफ्रेंशिएट करोगे तो तुम्हारे पास क्या बोलते हैं, तो तुम्हारे पास इसका वो आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली ये क्वेश्चन हमने क्वेश्चन 17 सॉल्व की थी ना, हमने इस एक्सरसाइज की, उस वही है, वो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 तो वहां से तुम रेफर कर लो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोला कि हमारे पास दो कर्व है, ay+x² = 7 और x³ = y, और दोनों कट करते ऑर्थोगोनली। इनका कुछ नहीं, इनका तुम स्लोप्स निकालो, m निकालो, इनका m निकालो, और m@1,1 और m@1,1 देन वैल्यू ऑफ a, ठीक है। तो तुम्हारे को जब उसको m1 m2 को -1 करोगे तो तुम्हारे को वहां से a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये इजी पार्ट था। तो क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। तुम्हारी यहाँ की ए की वैल्यू 0.6 आएगी, ठीक है, डी ऑप्शन आंसर होगा। 40 में हमारे को बोला y = x^4 = 10 अपना है, और एक्स चेंज करता है अपना 2 से 1.99, देन द चेंज इन द वाई। तो तुम्हारी ये एरर वाली क्वेश्चन है कि एरर निकाल लो, तुमको कुछ करना नहीं है, बताता हूँ इसमें क्या करोगे। तो इसमें तुमको कुछ नहीं करना है, तुम इसमें क्या करो, तुम डेल्टा वाई जैसे हमारा क्या हो रहा है, डेल्टा एक्स का दिया हुआ है 2 से 1.99, ठीक है, वैसे तुम उसमें डेल्टा वाई निकालो। डेल्टा वाई निकालने तुमको पहले से बताया हुआ है क्वेश्चन में, तुम उसमें निकालोगे तो तुम्हारी यहाँ पे आंसर आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 भी सिमिलर टाइप का है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व 1+x² = 2 - x इफ इट क्रॉसेस एक्स एक्सिस। तो कुछ नहीं करना है तुमको, तुमको क्या करना है, इफ इट क्रॉसेस एक्स एक्सिस, तुमको पूरे प्रोसेस सेम है, तुमको टेंजेंट निकालना आता है, तो तुम यहाँ से क्या करोगे, एम निकालोगे, और इफ इट क्रॉसेस एक्स एक्सिस इज, तुम्हारे पास एक आर्बिटरी लाइन की इक्वेशन होगी एम के साथ, ठीक है। उसको तुम क्या करोगे, तुम a,0 से पास करवा दोगे, ठीक है। अगर वो 1,0 से पास हो रही है, ठीक है, तो उन उसमें तुम्हारे को तुम्हारी एक वैल्यू बाहर आएगी और उससे तुम दूसरी वैल्यू को इक्वेट करके निकाल सकते हो, ठीक है, मतलब टेंजेंट के थ्रू।
पॉइंट एट विद द टेंजेंट टू द कर्व वाई इक्वल टू एस क्यू माइनस 12x प्लस 8 इज पैरेलल टू द एफ एक्स। टेंजेंट निकालो ठीक है, और टेंजेंट निकालने के बाद उसके जो एम को ना तुम उसको 0 के बराबर कर दो, तो वहां से तुम्हारे को एम की दो वैल्यू आएंगी, सॉरी वहां से तुम्हारे पास दो पॉइंट्स आएंगे ठीक है। 43 है तुम्हारा कर्व, तुम्हारा वाई को सी की पावर 2x एट द पॉइंट 0,1 मीट एस एक्सिस। सेम प्रोसीजर है, डीवाई बाय डी एस करो उस पर 0, क्या बोलते हैं 0,1 पे चेक करो स्लोप, और स्लोप चेक करके उसका टेंजेंट का इक्वेशन वहां से लिख सकते हो तुम आराम से। तो तुम्हारा टेंजेंट मीट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो एक्स इक्वल टू हाफ माइनस हाफ, तो -0.5 पे तुम्हारा वो क्या बोलते हैं टेंजेंट मीट करेगा एक्स एक्सिस पे ठीक है। सिमिलर 44th नंबर क्वेश्चन है, तुम्हारा कर्व है एक्स इक्वल टी स्क्वायर प्लस 3t-8 वाई इक्वल टू 2t² माइनस 2t-5 एट द पॉइंट 2,-1 इज। तो तुमको ये कुछ नहीं करना है, एक्स और वाई की हमारे को वो क्या बोलते हैं dx/dt और dy/dt निकालो ठीक है। dx/dt और dy/dt तुम निकाल लो, और फिर उसका क्या करो कि तुम्हारे को निकालना क्या है dy/dx निकालना है ठीक है। और तुम्हारे पास dx/dt है और dy/dt है, तो दोनों को डिवाइड करोगे तो dt/dt कटेगा, तो अगर dx/dy बचेगा ठीक है। यहाँ से तुम अपना स्लोप निकाल सकते हो, और स्लोप जब तुम निकालोगे 2,-1 पे तो वो तुम्हारा आएगा 6,7 के बराबर ठीक है। सिमिलर यहाँ पे सेम क्वेश्चन है कि दो तुम्हारे दो कर्व है वो कौन कौन से एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ठीक है। तो तुम्हारे को कुछ नहीं करना है, एम की वैल्यू यहाँ के लिए निकालनी है, एम की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, और तुम्हारे को tan θ = m2 - m1 करना है, और दोनों को इक्वेशन को इंटर मतलब दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकाल लो, तो उससे पता चलेगा कि तुम्हारा कर्व कौन से पॉइंट से पास कर रहा है ठीक है। तो वहां से तुम आराम से इसको कर सकते हो ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, बट एक्चुअली तुम यहाँ पे तुम देखोगे ना कि जब तुम इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो तुमको एक चीज पता चलेगा कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। तो यहाँ से तुम डायरेक्टली π/2 कर सकते हो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 आता है, इंटरवल इंटरवल ऑन विच एफ एक्स 2x² प्लस 9x² प्लस 12x-1 इज डिक्रीजिंग। कुछ नहीं करो, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करने के बाद तुम्हारे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, और उसको सॉल्व करने के बाद तुमको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे कौन से इंटरवल पे वो डिक्रीजिंग है ठीक है। तो इस केस में -2 से -1 क्लोज ब्रैकेट में मतलब बी ऑप्शन में डिक्रीजिंग है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 में आते हैं, तो लेट आर आर बी द डिफाइंड बाय एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू 2x + cos x देन एफ क्या है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, तो हमारा आएगा 2 + 2 - sin x ठीक है। sin x = 2 आ रहा है, तो ये तो गलत होगा, तो sin x = 2 तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी 2 - sin x ओके। तो यहाँ पे तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी 3 आ सकती है ठीक है, अगर x = π हो जाए तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकती है, मिनिमम नहीं होगी ठीक है। एज अ मैक्सिमम एट x = 0 तो ये गलत है, और इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन, हाँ इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन, उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आता है cosec जो कि है इंक्रीजिंग फंक्शन ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे, क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा y इक्वल टू x - x(x-3) का होल स्क्वायर डिक्रीजेस फॉर द वैल्यू। कुछ नहीं करना है हमें, इस क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करना है, तो या तो तुम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो s²-6x+9 में इंटू एक्स करके, तो उसमें तुम्हारे को फिर उसका dy/dx करोगे तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी आएगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास वो लिमिट्स आएंगी, उस लिमिट्स को पुट करना तो तुम्हारे को वो क्या बोलते हैं इंटरवल्स मिल जाएगी, और इस केस में हमारी इंटरवल्स जो आ रही हैं वो तुम्हारी होंगी ऑप्शन A 1 से लेके 3 तक ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है तुम्हारी, जो क्वेश्चन नंबर 49 है वो बोल रही है कि तुम्हारा फंक्शन एफ एक्स है
देखो जो 4 sin³ x - sin 6 sin²x + 12 sin²100 इज स्ट्रिक्टली, तुम इस क्वेश्चन में क्या करोगे, एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे। एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो तुम्हारे को पहले तो डी एफ बाई टी एक्स मिलेगा, फिर उसका डी एफ डैश मतलब डी एफ डबल डैश बाई डी एक्स स्क्वायर करोगे, या फिर तुम सीधे बोले एफ डबल डैश करोगे तो तुम्हारे को पता चलेगा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, मतलब मिनिमा आएगी कि मैक्सिमा आएगी। ठीक है, पहले तो एफ डैश सक्सेस करो उसमें, क्योंकि हमें तो उसी से मतलब है ना, मिनिमम मैक्सिमम के लिए तो पूछा ही नहीं डिक्रीजिंग है कि नहीं। तो एफ डैश एक्स तुम निकालते हो, एफ डैश एक्स तुम यहाँ पे निकालोगे तो तुम्हारी कितनी आएगी, तुम्हारी एफ डैश एक्स आएगी 12 cos x * sin²x + 1 - sin x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 1 - sin x > 0 है और sin²x हमेशा > 0 है, और sin²x + f1 - sin x भी > 0 होगा। तो यहाँ से तुम कह सकते हो ना कि एफ डैश एक्स तुम्हारे > 0 व्हेन cos x > 0, दैट इज -π/2 से π/2 में। तो एफ एक्स हमारे जो होगा इंक्रीजिंग -π/2 से π/2 में, तो यहाँ पे सी ऑप्शन तो अपना गलत होता है अपना। फिर क्या होगा कि डिक्रीजिंग व्हेन एक्स बिलोंग्स π/3 से 3π/2, डिक्रीजिंग से π/2 से 3π/2 में डिक्रीजिंग होगा, π/2 से 3π/2, तो π/2 से पाई में क्या बोलते हैं डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो π/2 से पाई में भी डिक्रीजिंग होगा, तो अपना बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्रीजिंग इन 0 से π/2। 0 से π/2 में डिक्रीजिंग अपना cos x होता है ना 0 से π/2 में, 0 से π/2 में cos x डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, 0 से π/2 ग्राफ बना लेते हैं, cos x ऐसा होता है इसकी वैल्यू घटती है 0 से π/2 में, हाँ, और साइन की वैल्यू बढ़ती है। ओके, द फंक्शन एफ एक्स टैन एक्स माइनस एक्स ऑलवेज ऑलवेज इंक्रीजेस ऑलवेज डिक्रीजेस, तो एफ एक्स इक्वल्स टू टैन एक्स माइनस एक्स। ठीक है, तुम्हारा एफ एक्स इक्वल्स टू टैन एक्स माइनस एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 6²x - 1। ठीक है, तो दैट इज 1/cos²x - 1, दैट इज cos²x - ऑफ²x, तो cos²x तुम्हारा ग्रेटर देन अब होगा 0। 0 से π/2 में cos x घटता है। ओके, तो यहाँ से तुम्हारा क्या बोलते हैं तुम्हारे यहाँ से आ जाएगा, हाँ, तो अपना क्या बोल रहे थे कि एफ एक्स हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा एफ एक्स ना यहाँ पे क्या 6²x - 1 cos²x, हाँ तो cos पर यहाँ से तो ग्रेटर ही होगा, तो फिर हमने ऑलवेज इंक्रीजेस आ जाएगा, ऑलवेज इंक्रीजेस। ठीक है, 52 में बोला कि मिनिमम वैल्यू x²-8x+17, डिफ्रेंशिएट करो उसको, इक्वल टू 0 करो, वहां से तुमको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, 52 हो गया तुम्हारा। अब यहाँ पे क्या करो, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फिर से डिफ्रेंशिएट करो, फिर उसका डबल डिफरेंशिएट करो, देखो मिनिमा कहाँ आ रहा है, फिर उसके उसको डाल दो। फिर उसके बाद एफ एक्स, फिर से यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को याद होना चाहिए एक्चुअली, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपना आएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हमारा आ जाएगा माइनस मतलब हाफ के बराबर, सॉरी मैक्सिमम तुम्हारा √2 होता है, तो मिनिमम हाफ हो। 56 पे आता है, एट एक्स ऑफ 5/6 एस एक्स ऑफ 2 sin³x + 3 cos x, डिफ्रेंशिएट करो, फिर उसके बाद डबल डिफ्रेंशिएट करो और एक्स इक्वल टू 5 5 5/6 पे चेक करो, तो तुमको अगर जो वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव आ जाती है आ रही है वैसे हमारी मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल्स टू x²-6, तो इसको तो तुम सॉल्व कर सकते हो, काफी अच्छी क्वेश्चन है। इसमें क्या करोगे तुम, ये जो वाई एफ एक्स को वाई ले लोगे और इसको log y = x·log x करोगे, फिर उसको दोनों साइड dy/dx करोगे, तो वैसे तुमको सॉल्व करना, काफी अच्छा क्वेश्चन लगा यार देखने में। ठीक है।
तो ये तुम कर सकते हो। और फिर उसका सिमिलरली इसका सिमिलर क्वेश्चन है, वापस डी बाई बाई डी एक्स लॉग लेके करना। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 60 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 60 अपनी बोल रही है कि कर्व्स वाई इक्वल टू 4x पर एंड वाई इक्वल टू एफ टच इज रेड, तुमको वापस डी बाई बाई डी एक्स करना है और तुमको टेन देखना है कि कहाँ टच कर रही है। ठीक है, ओके। 61 की इक्वेशन नॉर्मल टू द वाई इक्वल टू टेन एक्स प्लस एट एक्स 0,0 डी बाई बाई डी एक्स करना, और फिर उसका 0,0 पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो तुम्हारी आएगी वो तुम्हारी स्लोप आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमें वैल्यू ऑफ ए को ए फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स साइन एक्स माइनस ए एक्स बी इंक्रीज ऑन आर आर, कुछ नहीं करना है यहाँ पे भी, हमारे को बस डिफ्रेंशिएट करना है, चेक करना है वैल्यूज को। वापस से एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x^4 फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 डिक्रीज इन इंटरवल। तो यहाँ पे हमें डिक्रीज इन इंटरवल बताया कि तो हमें क्या करना है, यहाँ डिक्रीज इन इंटरवल, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, जो इक्वेशन आएगी उसको इक्वेट करेंगे, और जो जो तुम्हारे सॉल्यूशंस आएंगे उनको नंबर लाइन पर देख लेना, और फिर उससे तुम्हारे वो डिक्रीजिंग इंटरवल आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 का लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई प्लस बी बाई एक्स बी बाई एक्स, तो इसमें तुमको कुछ नहीं करना है, एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करो। ठीक है, और एफ डैश एस आएगा, वहां से तुम उसकी वैल्यू निकालो और तुम इस जगह वहां पे पुट कर दो, तुम्हारा लीस्ट वैल्यू द फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होपफुली आपको चैप्टर समझ में आएगा। लास्ट के क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने खींचा है क्योंकि मैंने काफी डीपली समझाया ऊपर वाले पार्ट्स को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई एम एंडिंग द सेशन।